बेसिक एक प्री है, इस प्री को हम बनाएंगे एम्पलीफायर। ये 16 0 16 16 0 16 16 0 16 और 12 वोल्ट, दो एम्पेयर, तो ये हो गया 6 एम्पेयर। और ये तकरीबन 800 मिली का है, तो इसकी जो जीरो है सबको हम जॉइंट कर देंगे। और ये दो तो तारे बचे, जिसको हम लगाएंगे इन तारों को इलेक्ट्रीफायर, और जो आउटपुट निकलेगी इसकी नेगेटिव पॉजिटिव, उनको सबको पॉजिटिव को जोड़ देंगे और नेगेटिव को जोड़ देंगे, और फिर दो पॉइंट हम आउट निकालेंगे और ये जीरो, और फिर आगे कैपेसिटर लगा के हम एम्पलीफायर को दे देंगे। और इसमें जो फ्रंट पे जो लाइट लगी हुई है यहाँ पर, ये लाइट इस आईसी के साथ थी, ये तो नहीं चल सकती, तो हमने ये सर्किट बनाकर इस लाइट को ऑन किया है। LA3914, LA3914, ये दो आईसी है। ये है वो लाइट, हमने यहाँ पे जो पहले ट्रांसफार्मर लगवाया था 12 वोल्ट का, वो हमने निकाल दिया क्योंकि वो हम दे रहा था, उसको निकाल के हमने यहाँ पे लगाए हैं कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, जो ट्रांसफार्मर जो एम्पलीफायर की सप्लाई है उसको डीसी करके हम उसको कैपेसिटर देंगे। ये एक पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाया था उसकी जगह हमने ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, और अब हमने यहाँ पे ये डिले स्विच लगाया है बफर के लिए, और ये हमने रिले लगाई है, ये हमारे स्पीकर को जाएगी डिले स्विच की। और जो पहले हमने यहाँ पर लाइट लगाई थी हमने वो निकाल दी है, अब हमने ये दूसरी आईसी का सर्किट लगा के हमने यहाँ पे लगाई है। तो इस ट्रांसफार्मर से हम सिर्फ डिले स्विच को चलाएंगे और रिले को, ये जो बाकी 1 2 3 है ये इनसे हम एम्पलीफायर को चलाएंगे, और एक हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और लगाएंगे इन लाइट्स के लिए, दोनों लाइट्स के लिए। और जितनी भी तारों पे हमने टेप की है उस पर हमने ये टाइल्स लगाई है, ये और अंदर भी जहां जहां भी हमने तारों पे टेप करी है उस पर हमने टाई लगाई है। इसकी वजह यह कि कुछ अरसे बाद जो टेप है वो लूज हो जाती है, तो ये फिर अगर लूज भी होगी तो ये बेहतर रहेगा। ये हमने स्पीकर की कनेक्शन कर दी है, ये तार एम्पलीफायर में लग जाएगी, एम्पलीफायर से डिले स्विच में पॉजिटिव, और वहां से डिले स्विच से निकल के और ग्राउंड डायरेक्ट। अब
इस ट्रांसफार्मर से हमने जब डीसी किया तो ये बन गए 18 वोल्ट और रिले 12 वोल्ट की। तो रिले के लिए उसकी वाइंडिंग के लिए ठीक नहीं है, तो हमने बीच में 1 2 3 4 4 ये डायोड लगाए और एक 50 ओम की रेजिस्टेंस लगाई। तो ये हमारे पास तकरीबन 18 वोल्ट, 18.5 वोल्ट या 19 या 20 आ रहे। तो जब हम इसको डायोड लगा के, तो अब यहाँ पर 12 वोल्ट, अभी 13.5, अभी डिले स्विच की रिले को करंट नहीं मिला। तो ये 11, 11.5, 12 वोल्ट के करीब, तो रिले स्विच की जो वाइंडिंग है वो हीट अप नहीं होगी, उसकी लाइफ ज्यादा होगी। हमने ओम मीटर की दोनों वायर स्पीकर के इसमें लगा दी है और ये दोनों ओम मीटर की वायर है, ये लगा दी है और ये जो एम्पलीफायर को जाएगी इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, ये यहां से पॉजिटिव डिले स्विच के रिले से होके इधर, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये रिले स्विच काम करता है कि नहीं करता है। अब ये दोनों तारे जो है ओम मीटर की, मल्टीमीटर की, हमने स्पीकर के से लगा के हम ये इधर ले आए। इसको हम कंटिन्यूटी भी करेंगे बजर पे, बीप पर। और अब हम सप्लाई ऑन करते हैं। ये एम्पलीफायर किट है, इसमें 3 और 3 6 C5200 ट्रांसिस्टर लगे हैं। ये इसकी एम्पलीफायर किट है और ये हमने इसकी 4558 जो आईसी होती है उससे हमने इसका लोटस बनाई हुई है, यानी कि बेस बनाई हुई है। ये अब हम इसमें लगाएंगे। अब ये हो गया कंप्लीट, ये हमारा डिले स्विच लग गया है, ये हमारा ट्रांसफार्मर इस डिले स्विच का है और ये हमने 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाया है लाइट्स के लिए और ये हमने कैपेसिटर लगाए हैं। जब हम तीन ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई को हम डीसी करेंगे, डीसी करने के बाद
पॉजिटिव को हम सब मिला देंगे और नेगेटिव को मिला देंगे और फिर ये कैपेसिटर में, और कैपेसिटर से ग्राउंड पॉजिटिव और नेगेटिव निकल के आगे उसमें एम्पलीफायर में चला जाएगा। और ये जगह हमने रखी है एम्पलीफायर के लिए, ये हमने इसको ऑन किया। अब हम इसका पावर ऑन करके इसका डिले स्विच देखते हैं। ये हमने इसके इनपुट के कनेक्शन कर दिए। अब ये इसका वॉल्यूम है, अब हमने ये वॉल्यूम के कनेक्शन करने हैं और ये अभी कंप्लीट हो चुका है। ये हमने इसके दो जो लाइट्स लगाई हैं उसके लिए लगाया 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, ये हमने डिले स्विच के लिए अलग लगाया है, ये डिले स्विच है, इसके नीचे हमने रिले लगा दिए, ये इसका ट्रांसफार्मर है, और ये जो तीन ट्रांसफार्मर है 1, 2 और 1 इसके नीचे लगा हुआ है, तीन, ये तीन एम्पलीफायर के। और ये हमने कैपेसिटर लगाए हैं 4 35 वोल्ट और 10,000 UF के, और हमने तीन ब्रिज रेक्टिफायर लगाए हैं इसके लिए इस प्लेट में, और यहां से हमने तमाम के पॉजिटिव जोड़ दिए, नेगेटिव जोड़ दिए, और हमने इसको कैपेसिटर को दिए, कैपेसिटर से हमने यहां पे दिए पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड, और यहां से हमने ये फ्यूज सिस्टम बनाया ये, और यहां से हमने ये वायर सीधी आ गई एम्पलीफायर के पावर्स में, और एक लाइट ये लगी है, ये पायनियर एम्पलीफायर से निकाली थी मैंने, और ये हमने खुद बनाई है, और इस प्री की अपनी जो लाइट्स लगी हुई थी यहां पर उसमें हमने जोड़ दी। इसको हमने चेक किया है और ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसको अभी हमने सीरीज लैंप पे हमने चेक करा है